स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैं इस ट्यूटोरियल में सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज आता है बच्चों को कि ये नहीं समझ में आता कि इसकी फिगर कैसे बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये बड़ी डिटेल में इसको यहाँ पे ऐसे बना रखा है, तो मैं यहीं से इसको एक्सप्लेन करूँगा और फिर आपको बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसके बाद इसी फिगर को यूज़ करके हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर। तो ये एक कुआं है, एक कुआं है, तो ये मान लो यहाँ से ये कुआं शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, और इसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 3 मीटर। तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, इसका हाफ यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है, इस डग 14 मीटर्स डीप, तो 14 मीटर्स डीप है, तो 14 मीटर्स डीप बोल दो, या फिर अगर आप अंदर खड़े होकर देखोगे तो इसकी हाइट लगेगी, तो यानी कि इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 14 मीटर्स। ये बात भी हो गई। तो इसको हमने खुदाई की, इसको डग किया और इसकी मिट्टी जो बाहर आई, द अर्थ, अर्थ का मतलब मिट्टी, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट, देखो आपने कुएं देखे होंगे अपने घर के आसपास या कहीं शहरों में देखे होंगे, तो कुएं के आसपास वो जो चार दीवारी सी बनी होती है ना एक, उसको हम एम्बैकमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर से जितनी मिट्टी निकली उसी से ही हमने इसकी एक चार दीवारी कर दी बिल्कुल सर्कुलर शेप में, जो 4 मीटर वाइड थी। अब इसका क्या मतलब है ये मैं समझाता हूँ यहाँ से, क्योंकि ऐसे समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। देखो ये कुआं हमने खोदा, ठीक है, तो कुएं में से मिट्टी निकलेगी, जितनी इसके अंदर मिट्टी होगी सारी मिट्टी निकलेगी, और उस मिट्टी को हमने कुएं के चारों तरफ इस तरह से ऊपर बिछा दिया। ठीक है, तो ये कुआं था और कुएं के आसपास हमने मिट्टी बिछा दी। ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं आएगी बीच वाले एरिया में, क्योंकि ये तो कुआं है, यहाँ तो हमने खुदाई की, तो ये आसपास आसपास आ गई, और इसकी जो विड्थ थी, ये जो विड्थ है ये हमें कितनी के बना है 4 मीटर। तो 4 मीटर का इस तरह से एक सर्कल बन गया। आप इसको ऐसे समझो, देखो मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको, ये जैसे मान लो आपका कुआं है, ठीक है, ये कुआं है जिसको आप टॉप से देख रहे हो, अगर ऊपर से देख रहे हो तो ये कुआं ऐसे दिख रहा है, और इसके अंदर से जो मिट्टी निकाली वो हमने इसके आसपास ही इस तरह से इसके आसपास सर्कुलर शेप में डाल दी, यानी कि यहाँ पे ये सारी मिट्टी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये मिट्टी है, ओके, और ये बीच में कुआं, तो मिट्टी सिर्फ यहाँ यहाँ रहेगी। तो अब इसको आप ऐसे अगर समझो, तो यहाँ से मिट्टी निकाली और वो यहाँ पे डालनी शुरू कर दी, ये पूरे एरिया में ये मिट्टी डालते गए डालते गए डालते गए, तो ये एक तरह से सिलेंडर की ही शेप ले लेगी, सिलेंडर की ही शेप ले लेगी जो अंदर से खाली होगा क्योंकि बीच में कुआं है। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से यहाँ पे यहीं से समझते हैं। तो अब वो कहता है कि आप ये फाइंड आउट करो कि ये जो दीवार बनेगी आसपास आसपास, इसकी आप हाइट फाइंड आउट करो। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, जितनी मिट्टी यहाँ से निकलेगी कुएं से उतनी ही मिट्टी आप बेसिकली यहाँ डालोगे, जितनी मिट्टी यहाँ से निकलेगी उतनी ही मिट्टी इस चार दीवारी को बनाने में लगेगी, तो यानी कि इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम आपस में बराबर होगी। तो बस यही करना है हमें कि इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के बराबर पुट करना है और वहाँ से इसकी हाइट मिल जाएगी। लेकिन इसमें छोटा सा एक चैलेंज है, वो क्या है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब देखो इसमें इसकी वॉल्यूम निकालनी तो बड़ी आसान है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा सिलेंडर है, हाइट पता, रेडियस पता, पाई आर स्क्वायर एच से मैं इसकी वॉल्यूम निकाल लूंगा। ठीक है, लेकिन इसकी वॉल्यूम निकालना, इसकी वॉल्यूम यानी कि आप इसको यहां से समझ लो, ये मैंने बिल्कुल डिटैच करके अलग से बना दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किसकी वॉल्यूम निकालनी है, सिर्फ इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालोगे, देखो बाहर बड़ी शेप देखोगे तो वो एक सिलेंडर है, लेकिन अंदर से ये खाली है, ये जो पोर्शन है ये सारा पोर्शन अंदर से खाली है। तो बड़े सिलेंडर में से अगर मैं ये अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूं, ये जो अंदर भी एक सिलेंडर बन रहा होगा यहाँ पे, राइट, लेकिन ये खाली होगा, ठीक है, ये खाली सिलेंडर है अंदर, तो इसका वॉल्यूम, ये जो अंदर खाली है इसका वॉल्यूम बड़े वाले सिलेंडर से माइनस कर दूं, तो ये जो मिट्टी है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे करना है, और उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ से सिलेंडर C1, बड़े वाले को बोल देता हूँ से सिलेंडर C2, और इसके अंदर ये जो छोटा वाला है इसको मैं बोल देता हूँ सिलेंडर C3,
राइट तो अब सबसे पहले इन तीनों सिलेंडर्स की डायमेंशंस लिख लेते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे पहले सिलेंडर C1, देखो C1 का जो रेडियस है उसको मैंने R1 बोला है और वो कितना है 1.5 मीटर्स, क्योंकि डायमीटर 3 मीटर था तो उसका हाफ R1 हो गया 1.5 मीटर्स। और इसकी हाइट उसको मैं H1 बोल रहा हूँ, वो है मेरे पास 14 मीटर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं C2 की, तो मैं यही लिखता हूँ। तो C2 का जो रेडियस है, रेडियस कितना आ जाएगा C2 का, देखो इसको मैं R2 बोल देता हूँ, और ये कितना आ जाएगा C2 का रेडियस यहाँ से लेके ये यहाँ तक होगा। ठीक है, ये पूरा C2 का रेडियस होगा, और ये जो इतना पोर्शन है ये मुझे पता है कि ये है 1.5 मीटर, क्योंकि ये तो कुएं का ही रेडियस है। ठीक है, इतना रेडियस जो है ये तो कुएं का रेडियस है, और ये कितना है 1.5, और ये हमें गिवन है 4, तो ये हो गया 1.5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5.5 मीटर्स। तो R2 आ गया 5.5 मीटर्स, और H2 ये मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए, नॉट H डैश, इसको डिलीट कर देते हैं। तो H2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो H2 को मैं H2 लिख के यहाँ छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं C3 की। ये जो अंदर ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ये बेसिकली C3 है, तो इसकी डायमेंशंस देखोगे तो रेडियस तो इसका उतना ही है जितना कुएं का रेडियस है, तो रेडियस तो इसका 1.5 मीटर्स ही हो गया। और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी जितनी एम्बैकमेंट की हाइट है उसी हाइट के बराबर है, तो यानी कि ये भी हो गई H2। तो यानी कि C3, अगर मैं C3 की बात करूं तो इसका जो रेडियस है वो तो हो गया 1.5 मीटर्स, तो R1 ही हो गया, इसका रेडियस R1 ही हो गया, क्योंकि इसके रेडियस को हमने R1 बोला था और ये R1 के बराबर है, तो इसका रेडियस R1 हो गया 1.5 मीटर्स। हाइट इसकी हो गई H2, ठीक है, तो हाइट हो गई इसकी H2, तो ये हमें पता नहीं है। राइट, देखो मुझे पता है यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो सबसे पहले कुआं, ये जो कुआं था, कुएं का रेडियस मुझे पता है, कुएं की हाइट मुझे पता है, तो ये मैंने R1 H1 यहाँ पे लिख ली। फिर उसके बाद ये जो ऊपर दीवार बनी, ठीक है, ये जो आसपास दीवार बनी इसको मैंने C2 बोला, ये जो येलो वाला पोर्शन है, तो इसका रेडियस यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक, और इतना रेडियस हमें पता है 1.5 है, क्योंकि ये कुएं के रेडियस के बराबर है, और इतना विड्थ हमें ऑलरेडी गिवन है 4 मीटर्स, तो टोटल 4 प्लस 1.5, तो टोटल हो गया 5.5 मीटर्स। ठीक है, और इसको हमने R2 बोल दिया, हाइट इसकी हमें पता नहीं है, उसको हमने H2 बोल दिया, ये हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद ये बीच वाला जो खाली वाला एरिया होगा, ये जो खाली वाला एरिया होगा, तो इसका जो रेडियस है वो कुएं के रेडियस के बराबर है, तो रेडियस हो गया 1.5, तो R1 1.5, क्योंकि कुएं के रेडियस को हमने R1 बोला हुआ है, तो इसका रेडियस भी R1 ही हो गया। लेकिन हाइट इसकी जो है, इसी की ये जो खाली पोर्शन है, इसकी हाइट एम्बैकमेंट की हाइट के बराबर है, तो उसको हमने H2 बोल दिया, क्योंकि वो H2 है। और अब यही डायमेंशन हम यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें ये पता है नाउ, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ C1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ C2 माइनस वॉल्यूम ऑफ C3, राइट। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये बाहर वाले सिलेंडर में से, यानी कि ये बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये मिट्टी का वॉल्यूम बराबर होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। और अब इसके लिए ये सारे सिलेंडर्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ C1 क्या आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1, R1 H1 इज इक्वल टू फॉर C2 पाई R2 H2, R2 स्क्वायर H2 माइनस फॉर C3 R1 H2, तो ये आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर H2, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसे लिखने से आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पे क्या क्या आएगा, R1 आएगा, H1 आएगा, R2 आएगा, H2 आएगा, और R1 आएगा और H2 आएगा। ठीक है, अब पाए सब में कॉमन है, मैं डायरेक्ट ही काट रहा हूँ, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये कट गया, तो दिस इम्प्लाइज R1 स्क्वायर यानी कि 1.5 का स्क्वायर इंटू H1, H1 इज 14 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर यानी कि 5.5 का स्क्वायर इंटू H2, H2 हमें पता नहीं है तो H2 ऐसे छोड़ दो, फिर R1 स्क्वायर यानी कि 1.5 का स्क्वायर इंटू H2। तो अब कैलकुलेशन को और आसान कैसे करना है, अब मैं ये बता देता हूँ। दिस इम्प्लाइज, देखो हमें H2 चाहिए,
तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 1.5 स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू, एच टू मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एच टू इंटू, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5.5 माइनस 1.5 इंटू 5.5 प्लस 1.5, तो ये हो गया मेरा एच टू इंटू, ये हो गया 4 इंटू 7, ओके। तो यहाँ से हम एच टू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एच टू हमारा कितना आ जाएगा, एच टू विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7, तो ये कटा इंटू 2, ये कटा इंटू 2, तो इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.125, इतने मीटर्स इज द आंसर, तो जो हाइट है एम्बैकमेंट की वो 1.125 मीटर्स होगी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसको समझना ही थोड़ा सा ट्रिकी काम है, अदरवाइज इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।